हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के EGY EMI कार्ड के बारे में। अभी आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो कि 65,000 रुपए की लिमिट के साथ ये कार्ड मुझे मिला हुआ है। अब मैंने इस कार्ड को अप्लाई भी नहीं किया और मुझे कैसे मिल गया ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत तक। अब आपको एक रेट कैसे मिलेगा विदाउट इनकम प्रूफ के, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, चलिए समझते हैं एक एक करके और कैसे लेना है बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हुए अभी तक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आप इसे क्रेडिट कार्ड समझ रहे हैं तो ये गलत आपकी फहमी है, ये एक EMI कार्ड है। अब EMI कार्ड क्या होता है, तो आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड आपने देखा, बिल्कुल सेम उसी EMI कार्ड की आप इसे टू कॉपी समझ सकते हो। तो जैसे आपका बजाज EMI कार्ड काम करता है, इसी प्रकार से ये EMI कार्ड भी काम करता है। तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड में और EMI कार्ड में बहुत फर्क होता है। जैसे कि आप इससे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो, वॉलेट वगैरह में लोड मनी कर सकते हो, तो इससे आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। अगर आप इस कार्ड को यूज करना चाहते हो तो यहां पर बताया गया है कि इंडिया में IDFC फर्स्ट बैंक के 15,000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर पर जो है इनका पार्टनरशिप है, जहां पर आप इस लिमिट को यूज कर सकते हो, यानी इस कार्ड को यूज कर सकते हो। इसके अलावा 100 इनके ऑनलाइन स्टोर पर टाई अप है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इस प्रकार के वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आप इसे ऑनलाइन यूज करना चाहते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर, तो आपको कार्ड मिलने के बाद सबसे पहले आप लोगों को इस कार्ड को किसी स्टोर पर जाकर के ऑफलाइन यूज करना होगा, इसके बाद आप इस कार्ड को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि ये एक वर्चुअली कार्ड आप समझ सकते हो। ये कार्ड आपके घर पर डिलीवर वगैरह नहीं होगा, बस आप इसका फोटो देख सकते हो, आपके मोबाइल में ही रहेगा। और अगर आप इसे ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के कुछ सामान लेते हो, यानी EMI पे कुछ चीज खरीदते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बस केवल अपना मोबाइल नंबर बताना होगा और वहां पर कार्ड भी नहीं लगेगा और आपको जो लिमिट मिली होगी उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर फाइनेंस हो जाएगा। इसको अगर यूज करना है आपको सबसे पहले ऑफलाइन, तो आपको अपने नियरेस्ट किसी ऐसे स्टोर पर जाना होगा जहां IDFC फर्स्ट बैंक का पार्टनरशिप हो। वहां पर जाकर वो सामान आप खरीदोगे, वहां पर आप लोगों को एक IDFC फर्स्ट बैंक का कर्मचारी मिलेगा, इस कार्ड को यूज करके वो आपके प्रोडक्ट को फाइनेंस करा देगा वहां। तो इस प्रकार से आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर सकते हो, इसके बाद आप इसे ऑनलाइन भी यूज कर पाओगे। इस EMI कार्ड में आपको 5,00,000 रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। इसके अलावा इसमें आपको नो कॉस्ट EMI के भी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है। फिलहाल अभी मुझे जो क्रेडिट लिमिट दी गई है वो मिली है यहाँ पर मुझे 65,000 रुपए की। अगर मैं इस कार्ड के चार्ज की बात करता हूं तो इसका वैसे तो कोई चार्ज नहीं है, आप जैसे इसे एक्टिव करोगे उसके बाद यहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी हम कोई भी सामान फाइनेंस कराते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार से यहां पर चार्ज होते हैं, जैसे कि फाइल चार्ज होता है, इसके अलावा वहां पर आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहां पर इस प्रकार के चार्ज आपको लगते हैं हर जगह। बाकी यहां पर अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको 99 रुपए का चार्ज देना होगा इसका एनुअल फीस, इसके अलावा इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये कार्ड मुझे कैसे मिला, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेगा। देखिए, मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट मैंने ओपन किया था काफी समय पहले, उसमें मेरा बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने मुझे 2 तो क्रेडिट कार्ड दे के रखे हैं और 1,25,000 रुपए की एक क्रेडिट लिमिट दे के रखी है। इसके अलावा यहां पर अब 65,000 रुपए का ये EMI कार्ड भी दे दिया है। तो यहां पर मुझे एक प्री अप्रूव मिला, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वैसे मैं अपने एप्लीकेशन को चेक कर रहा था और यहां पर लोन वाले सेक्शन पे गया तो मुझे ये शो हो गया। यहां पर मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि मुझे मिला है नहीं मिला, ना ही मुझे बैंक ने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्म किया। तो ये कार्ड मुझे इस प्रकार से मिला। अब मैंने इसको अभी तक यूज भी नहीं किया है। अब आपको कैसे मिलेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहां पर देखिए, आपको डालना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा और यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आएगा एक OTP, उस OTP को यहां पर डालना पड़ेगा। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नंबर एक आपको पैन कार्ड डालने का ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा फॉर्म 60 का। तो यहां पर आप चाहो तो कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके और फॉर्म 60 से अपना KYC कर सकते हो, बट सबसे बढ़िया ऑप्शन है पैन कार्ड का। तो यहां पर आपको पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना पैन नंबर यहां पर डाल देना है। इसके बाद यहां पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो यहां पर आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर जो इस व्यक्ति के नाम से पैन कार्ड होगा उसका नाम आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नाम तो ऑटोमेटिक ही रहेगा, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद एक मेल आईडी आपको देनी होगी। ये सब चीजें देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, हाउस नंबर, रोड, एरिया जो भी है आपकी कॉलोनी, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट सब डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप रेंट से रहते हैं या फिर आप खुद उसके ओनर हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म वाले बटन पर फिर से क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इंस्टेंट जो कार्ड है आपको शो हो जाएगा, अगर मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तो यहीं पर आपको दिखा देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मिल रहा होगा तो इंस्टेंट आपको लिमिट शो हो जाएगा। अब मेरे लिए तो ये पहले ही मिल चुका है प्री अप्रूव, ना तो मैंने अप्लाई किया और विदाउट अप्लाई के ही भैया दे दिया है इन्होंने, पता नहीं क्यों। अब फाइनली हम बात करते हैं कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए ये जो कार्ड है ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक ईएमआई कार्ड है। आप इसे कंज्यूमर लोन समझ सकते हैं क्योंकि इसे आप क्रेडिट कार्ड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। आप इससे कैश नहीं निकाल सकते हो क्योंकि इसमें सीवीवी नंबर नहीं है, केवल आपके बजाज ईएमआई कार्ड की तरह यहाँ पर आपका एक नंबर है और कोई एक्सपायरी डेट वगैरह मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही, केवल एक नंबर दिया हुआ है बस, वो भी यहाँ पर पूरा पूरा क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं है, छोटा नंबर 10-12 अंक का इस प्रकार से नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप इसे सिलेक्टेड स्टोर पे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, एक कंज्यूमर लोन है। बट फिर भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिल रहा है तो आप अप्लाई करके इसको रख लीजिएगा, फ्यूचर में अगर आपको कभी मौका आता है तो आप कोई चीज फाइनेंस करा सकते हो क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अप्लाई कर लोगे, एक्टिव कर लोगे तो कोई यहाँ पर फीस नहीं लगेगा। बाकी इसका कोई इतना यूज नहीं है क्योंकि ये एक ईएमआई कार्ड है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। सो बाकी आपकी मर्जी है, आपका क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इमरजेंसी में कभी काम आ सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।